गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को विष्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर डेली करेंट अफेयर्स क्लासेज में मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 1 दिसंबर के करेंट अफेयर देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी देखें। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। आपको डेली करेंट अफेयर सीरीज यहाँ पर मिलेगा, आप सभी करेंट देखकर इस क्लास को फॉलो कर अपने करेंट को बेहतर कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर देखें। इसके अलावा आपको इस चैनल पे डेली जो है वो ऑपरेशन मंजिल सीरीज चल रहा है, उस पर आकर अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर आएँ और अपने तैयारी को और बेहतर करें और इस तरह से तैयारी कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए और अपने सफलता को हासिल कीजिए। तो इस तरह से करते रहें और आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलो, वे सब करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। तो आप सभी देखें और पीछे के वीडियो नहीं देखें तो वो सारे वीडियो भी देखते रहें, तो ये ध्यान दें। और आज जो है वो आपके लिए एक लाइन जो आपको ऊर्जावान बना सके, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो इस तरह से जो है, अगर आज मुश्किल है तो कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो अगर भविष्य को बेहतरीन बनाना है तो उम्मीद आप मत छोड़ना, उम्मीद को जगाए रखें, भविष्य आपका बिल्कुल बेहतर होगा। तो इसी लाइन के तहत आप अपने तैयारी को और बेहतर करते रहें, तभी आपका भविष्य बेहतरीन होगा। तो इसको ध्यान में रखकर अपने तैयारी को करें। और आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक नंबर ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हर वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है इक्वलाइज, इक्वलाइज इस बार का थीम है और इसका अर्थ होता है समानता, ध्यान रखिएगा, इक्वलाइज इसका अर्थ समानता होता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1987 में किया था, ध्यान रखिएगा 1987 में इसकी शुरुआत हुई थी। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV उसके वायरस का नाम है, इसका फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को यह पुरस्कार दिया गया, अवार्ड दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसे वर्ष 1922 में पश्चिम भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि पहले इसे प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। यह अवार्ड 6 देशों के 13 स्थलों को दिया गया है, जिसमें भारत के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को दिया गया है। और ध्यान रखेंगे कि इसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1922 में हुआ था। शिवाजी की बात करते हैं तो शिवाजी जो है वो, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी में हुआ, और ये मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। आपका जो है ये छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, निश्चय मित्र, ध्यान रखिएगा, निश्चय मित्र एक पहल है और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन, किसे बनाया गया? तो निश्चय मित्र एक पहल और ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया तो दीपा मलिक को, ध्यान रखिएगा, पैरा ओलंपिक एथलीट हैं दीपा मलिक, और इन्हें निश्चय मित्र पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और निश्चय मित्र क्या है? तो ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का एक पहल है। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की एक पहल है और भारत सरकार टीबी समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखी है, यानी कि 2030 तक था, जिसे घटाकर 2025 रख दी है।
टीबी बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है और इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ध्यान रखिएगा, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो ध्यान रखिएगा, निश्चय मित्र प्रहल का संबंध किससे, तो स्वास्थ्य से है और इसका ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में विशेष जानकारी देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर सी नंबर, यानी कि लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह हो जाएगी, ध्यान रखेंगे आप पे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, पुरुषों के फीफा विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो अभी फीफा विश्व कप कतर में खेली जा रही है और वहां पर पहली महिला रेफरी जो कि पुरुषों के फीफा विश्व कप में जो है वो रेफरी बनेगी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टेफनी फ्रापार्ट। स्टेफनी फ्रापार्ट इसका आंसर होगा। ये 1 दिसंबर को कतर के अलवायत स्टेडियम में कोस्टारिका और जर्मनी के बीच में मैच होगा, उसमें रेफरी बनने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली स्टेफनी फ्रापार्ट होगी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया? तो जियांग जेमिन का संबंध जो है चीन से है और ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया, ध्यान रखेंगे। तो जियांग जेमिन कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका निधन हुआ। नेक्स्ट है कि भारत औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बनेगा, तो भारत को 2022 का G20 का अध्यक्षता मिला है, 2023 का ध्यान रखिएगा, 2023 का जो है वो अध्यक्षता मिला है और इसका जो है वो आधिकारिक यानी कि औपचारिक रूप से अध्यक्ष बना भारत 1 नंबर, यानी कि 1 दिसंबर 2022 को, 1 दिसंबर 2022 को भारत औपचारिक रूप से G20 का अध्यक्ष बन गया। 2022 को जो है अगर देखा जाए तो अभी 2022 में 2023 के लिए आपका G20 2023 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लोगो और थीम लॉन्च किया गया था 2022 में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये 2023 का लोगो और थीम है। तो 2023 का लोगो होगा कमल, वही आपका थीम की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम इस बार का थीम होगा और इसका अर्थ है एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य इस बार का थीम है, ध्यान रखिएगा 2023 का। भारत को 1 साल के लिए अध्यक्षता मिला, यानी कि दिसंबर से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा और इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण किया है, ध्यान रखिएगा 2021 का अध्यक्षता इंडोनेशिया किया था। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था, सदस्य इसके हैं 19 प्लस यूरोपीय यूनियन। इसकी पहली शेरपा बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर राजस्थान में होगी, ध्यान रखिएगा, और 50 से अधिक शहर में 200 बैठकें आयोजित किया जाएगा, यानी कि भारत के 50 से अधिक शहर में इसके 200 से अधिक बैठक होने वाली है, जो कि आज तक किसी भी देश में 25 से अधिक शहर में बैठक का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन भारत में सबसे अधिक शहरों में जो है इसकी बैठक की आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखना है। और 1 दिसंबर को 100 स्मारकों को भारत के अंदर G20 लोगों से रोशन किया जाएगा, यानी कि उसे जो है वो जलाया जाएगा रोशनी से, G20 का जो लोगो है उससे रोशन किया जाएगा, यानी कि जो है इस तरह से चमकाया जाएगा। तो भारत के अंदर जो 100 स्मारक है उसको ऐसे किया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस सारे पॉइंट को, आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर है। मैं प्रश्न के साथ साथ देखते हैं कि जो भी करंट के क्वेश्चन देते हैं उसमें आपके लिए स्पेशल कुछ पॉइंट को ऐड करते हैं ताकि आप उस पॉइंट को देख लें और उससे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है वो ना छूटे, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा ये सारे पॉइंट, तो आप पॉइंट को क्लियर रखेंगे। आप 1-2 बार इसे सुने, आप जो है वो 1 बार धीरे सुने, फिर जो है वो आप अगर देखा जाए तो फिर से इसे रिवाइज करना है तो फास्ट करके देखें। इसके अलावा आपको संडे को वीकली जाता है उसको भी रिवाइज करते रहें, पीछे के भी वीडियो हैं वीकली उसे रिवाइज करें, इससे होगा कि आपका करंट बेहतर हो जाएगा और आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न करंट से नहीं छूटेगा। तो इस तरह से आप तैयारी करें, आप करंट में बेहतर करेंगे, ये मेरा गारंटी है। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, एम पॉक्स। यानी कि WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स किया, यानी बी नंबर आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने
किस देश में बर्फ से दबे 48,500 साल पुराने जोम्बी वायरस को फिर से जीवित किया है? तो भारत के ये बर्फ से दबे 48,500 पुराने, ध्यान रखिएगा, जोम्बी वायरस को फिर से जीवित किया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका रसिया के अंदर, ध्यान रखिएगा, रूस के अंदर जो है वो इतने सालों से दबे जोम्बी वायरस को पता लगाया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर यूरोपीय शोधकर्ताओं ने जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में फार्माक्रास्ट एकत्रित प्राचीन नमूने से जो है इसको प्राप्त किया है और इस तरह से इसका नाम जोम्बी वायरस नाम दिया। तो ध्यान रखेंगे कि ये रूस में आपका जो है 48,500 साल पुराने जोम्बी वायरस को जीवित किया है, आपका जो है वो अगर देखा जाए तो यूरोपीय शोधकर्ता लोगों ने ऐसा किया है। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? यानी कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी जो है वो टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने किस एयरलाइन को विलय किया जाएगा? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस को जो है वो मर्ज किया जाएगा टाटा में, तो ध्यान रखेंगे। और ये सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड ने टाटा सन्स के साथ इस सौदे के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और इस तरह से जो है वो ये आपका एयर इंडिया का हिस्सा हो जाएगा, टाटा एयर इंडिया का हिस्सा हो जाएगा विस्तारा, तो ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में देखे थे कि जनवरी 2022 में जो है वो टाटा ने एयर इंडिया को अपने में शामिल किया था, तो इस तरह से जो है वो 69 साल बाद टाटा एयर इंडिया को अपने में खरीदा। और इस तरह से कहा जा सकता है कि पहले एयर इंडिया तो टाटा का ही था और अगर देखा जाए तो एयर इंडिया फिर जो है अपने घर वापसी हुई थी 2022 में, और इस तरह से टाटा जो है काफ़ी आगे निकल रहा है और अभी विस्तारा एयरलाइंस को भी जो है वो शामिल करने की योजना बनाई है और इस तरह से जो है वो आगे चलकर सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड के एक ज्वाइंट वेंचर के साथ जो है समझौता करके जो है वो इसे अपने में शामिल करने की योजना बनाई। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट तो सवाल हमारा जवाब आपका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ। और कल का क्वेश्चन था भारत के संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की कितनी शैलियां बताई है? तो बहुत लोगों ने अच्छा आंसर किया है, सभी लोग करें, मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी कमेंट करें, इससे आप डेली एक प्रश्न दिखेंगे और कभी भी आपको परीक्षा में ये सवाल आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। इसे जरूर आप कमेंट करें, गलती करें या सही करें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देता हूं, गलत हो या सही हो, तो आप जरूर कमेंट करें। तो इसका आंसर 8 और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो सतरिया है जो कि असम का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आज के लिए सवाल हमारा जवाब आपका में आज के लिए प्रश्न है आपके लिए, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें, इसका आंसर करें, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है जरूर करें, मुझे जो है वो इंतजार रहता है आपकी कमेंट का। तो बिल्कुल आप सभी कमेंट करें और क्योंकि आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो आप सभी कमेंट निश्चित करें और इसी तरह से आप सभी क्लास को फॉलो करते रहें, चाहे आपका ऑपरेशन मंजिल हो या आपका स्पेशल करेंट डेली करेंट सीरीज हो, ये सब करते रहें, आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहनत करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।